फ्रेंड्स, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे क्लोनाजेपाम टेबलेट के बारे में। यह एक एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवा है जो मस्तिष्क और मस्तिष्क की नाड़ों को शांत करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोनाजेपाम की जो फेमस ब्रांड है वो रिवोट्रिल है। इसके यूज के बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। यह एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो मिर्गी और एपिलेप्सी जो कहते हैं उसके सीजर्स दोनों को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही जो पैनिक अटैक होता है जिसका मतलब होता है घबराहट, घबराहट के जो दौरे पड़ते हैं वो एक मिनट से लगाकर 10 मिनट अपनी चरम सीमा को छू लेते हैं और उस समय व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी क्लोनाजेपाम टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही मूवमेंट डिसऑर्डर जिसे हम हाथ और पाँव की अनचाही गति को जानकर समझ सकते हैं, इसमें हमारे हाथ और पाँव की जो कंपन है, हिलना है, वो कंटिन्यू रहेगा, रुकता नहीं है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्लोनाजेपाम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि साथ ही किसी पेशेंट को रेस्ट लेग सिंड्रोम है, मतलब उसके पाँव में कंपन रहता है और थकान सी महसूस होती रहती है, वो एक जगह पर नहीं टिकते, तो उसके लिए भी क्लोनाजेपाम काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, जिस समय व्यक्ति अल्कोहल छोड़ता है तो उसे कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी में पूरी थकावट होती है और बार बार अल्कोहल की मन में आती है पीने की, साथ ही उसको रात में नींद नहीं आती है, घबराहट उसको रहती है, सारे दिन गुस्सा सा आता है। इन सभी जो कंडीशन है उनसे ट्रीट करने के लिए भी क्लोनाजेपाम काफी हेल्पफुल है। सोशल फोबिया होता है कई पेशेंट्स को, जो समाज में जाने से, व्यक्तियों के साथ में जाने से डरते हैं अपनी किसी कमी के कारण, उसको भी स्ट्रेंथ देने के लिए क्लोनाजेपाम का काफी हद तक प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को इनसोम्निया की परेशानी है, नींद नहीं आने की परेशानी है, तो डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है दोस्तों। साथ ही एंजाइटी डिसऑर्डर में भी यह बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसका जो कार्य करना शुरू करने का समय है वो 1 घंटा है, 1 घंटे में अपना कार्य शुरू करना शुरू करती है और 6 से 12 घंटे तक ये अपना असर रखती है। और ये मॉथ डिसॉल्विंग टेबलेट में भी आती है और सिंपल फिल्म कोटेड टेबलेट में भी आती है, जिसको आप पानी के साथ ले सकते हैं। अब इसकी डोज के बारे में अगर बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी जो डोज है सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के द्वारा ही ये दवा लिखी जाती है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर पर ये बिना पर्ची के ओवर द काउंटर दवा नहीं मिलेगी। और जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो सामान्यतः इसको 1 टेबलेट रात को सोते समय ली जाती है और उसके बाद में आपको नींद लेनी होती है, जो 1 घंटे के दरमियान अपना काम शुरू कर देती है, आपको नींद आ जाती है और आपके मस्तिष्क को काफ़ी शांति मिलती है। और बच्चों को पर भी इसकी डोज है वो एज और वेट के अनुसार रहती है, जो आपको डॉक्टर कैलकुलेट करके देते हैं। अब इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें ड्राउजीनेस है, सारे दिन नींद से आना लगता है, डिजीनेस है और टाइर्डनेस, थकान सी आपको रहेगी, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो लूज हो सकता है, किसी के साथ जो आप समझने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को जान सकते हैं, वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही आपके जो इंक्रीज हो जाएगा सलाइवा का प्रोडक्शन, मुंह में जो लार आती है वो भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। ये या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको लगे तो इस दवा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दे सकें। इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं। कुछ सावधानी आपको रखनी होती है। सबसे पहले तो यदि आप किसी भी बेंजोडाइजेपिन ग्रुप के मेडिसिन से एलर्जिक है या क्लोनाजेपाम पर्टिकुलर खुद से एलर्जिक है तो आप इस दवा का सेवन नहीं करें। यदि किसी को ब्लड डिसऑर्डर है, लीवर की डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है तो आप इस दवा का सेवन नहीं करें। साथ ही किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसे भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति है इस दवा को लंबे समय तक ले रहा है, जैसे 4-6 महीने साल भर के लिए ले रहा है विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर ने 1 महीने का कहा है आप लंबे समय तक लिए जा रहे हैं, तो आप इसे एडिक्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। और साथ ही एक चीज़ आप ध्यान रखें, यदि कोई ये टेबलेट ले रहा है तो उसको अल्कोहल किसी भी सूरत में नहीं पीना है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही हैवी मशीनरी पर आपको कार्य नहीं करना है, ड्राइविंग आपको नहीं करनी है दोस्तों। ये इसके प्रिकॉशंस थे, सावधानियां थी। यदि आप अपने डॉक्टर से मिले, यदि क्लोनाजेपाम वो लिखे तो आप उनको इन चीज़ों के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो था क्लोनाजेपाम टेबलेट के बारे में। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।